जैसे कि आज के एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की वीडियो में यही बात हम आप सभी के पास करने वाले और लाइव लाइव दिखाने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे आज के 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में, ताकि आप जान पाएँ और इससे आभास लगा पाएँ कि किस प्रकार से हमें तैयारी करने पड़ेंगे, कितने ज़बरदस्त तैयारी करने पड़ेंगे, ताकि आने वाले एक दिनों में आपको बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो कौन से आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, इसी के वीडियो में हम आप सभी के पास कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाले। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे कुछ विद्यार्थी हमें प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि आप सभी के पास यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यदि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आने वाले हर शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन के जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले उन सारे विद्यार्थियों को शुक्रिया करना चाहेंगे जो हमें सपोर्ट किए और वे सारे हम अपने अपने जो है हमारे साथ जो है क्वेश्चन को शेयर किए। तो आज के दिन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, इसी के विषय में हम आप सभी के पास चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी बताए आज 5 अगस्त हो चुके हैं और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 सितंबर में जो है फर्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वन बाय वन करके जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जानकारी आपको देंगे कि आज के क्वेश्चन का मोड कैसे रहे थे, भारी क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। फिर आप सभी के पास क्वेश्चन को प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। तो ऑल ओवर यहाँ एग्जामिनेशन का एनालिसिस हम लोग करेंगे, एग्जामिनेशन का मॉड्यूल कैसे रहा, हार्ड रहा कि भारी रहा कि क्या रहा। तो यहाँ पर यह जो है यह आंकड़ा जो है बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद यहाँ पर लगाया गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे जाए तो इंग्लिश में मॉडरेट में क्वेश्चन रहा, जो कि बहुत सारे बच्चे, कोई कोई बच्चे 17 तो कोई 18 तो कोई 19, मैक्सिमम बच्चों से, सैकड़ों बच्चों से, लाखों बच्चों से बात करने के बाद जो है 19 क्वेश्चन जो है बता पाए हैं कि मैक्सिमम जो है 19 क्वेश्चन तक वे बना पाए थे। अगर उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में बात कहें तो मैथमेटिक्स में ईजी से मॉडरेट में रहा, यानी कि आसान भी कुछ क्वेश्चन था, कुछ थोड़ी सी उससे भारी भी क्वेश्चन थी, मतलब ज़्यादा भारी नहीं थी लेकिन कुछ मीडियम में थी, जो कि बहुत सारे बच्चे 16 से लेकर आपका 23 क्वेश्चन तक का सॉल्व किए। उसके बाद रीजनिंग का पेपर में, रीजनिंग में जो है आपका दोस्तों इजी मॉडरेट रहा, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी मोड में पूछे गए थे, जो कि बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किए और ज़्यादा से ज़्यादा जो 24 क्वेश्चन तक बना पाए। तो आपने कितने बनाए हैं दोस्तों नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन ईजी रहा, जिसमें 19 क्वेश्चन मिनिमम, कम से कम बच्चे 19 क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाए, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो 23 क्वेश्चन तक बनाए। आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। ऑल ओवर टोटल देखे जाए तो मॉडरेट, इजी से मॉडरेट में रहा आपका एग्जामिनेशन का मोड। उसके बाद जो यहाँ पर बता दें कि 69 से लेकर 89 तक का क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करके आए, आपने कितने क्वेश्चन शॉर्ट आउट किए हैं दोस्तों नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि सभी बच्चों का जो है क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपका सारा क्वेश्चन आसान है, और अगर नहीं पढ़े हुए तो सारे क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए भारी हो जाए। तो नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने इंग्लिश में कितने बनाए, रीजनिंग में कितने बनाए, मैथ में कितने बनाए, ऑल ओवर टोटल कितने क्वेश्चन बनाए कहा है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। और चलिए अब जो है यहां पर आप सभी के पास कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत करने वाले जो हमारे प्रिय बच्चों ने हमारे साथ शेयर की और आप सभी के पास यहां पर प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर से जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब भी आए तो आप आसानी से देख पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके, आइए देखते हैं और समझते हैं और समझाने का भी कोशिश करेंगे। पूछे गए थे नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो किसके द्वारा जो देखा गया था। पहला यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस थे, जिसमें से जो सही है स्ट्रोसमन द्वारा, स्ट्रोसमन के द्वारा जो है देखा जा सकता था, यानी पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है यह ऑप्शन जो बिल्कुल भी सही था। अगला पूछे गए थे विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिषेध है, क्यों है महानिषेध, इसमें पूछे गए थे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिषेध महानिदेशक जो थे, वो निदेशक जो है थे कौन थे, तो यहाँ पर जो है मार्गेट चांद थे, कौन थे, मार्गेट चांद, याद रखिएगा मार्गेट चांद।
आने वाले एग्जामिनेशन में हो सकते हैं एक दो क्वेश्चन रिपीट कर ले, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप देख ले। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में आज के एग्जामिनेशन के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक, याद रखिएगा रूपक कहलाते। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछे गए थे, किस राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल युक्त बेल्ट पेपर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? मेघालय में। कहां पर की गई थी? मेघालय में की गई थी, याद रखिएगा इसका, मेघालय में की गई थी। आई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यहाँ पर लिखे गए थे कि 2014 गांजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसे जो नियुक्त किया गया था मेरी मैन गोवन डेविस को किया गया था, याद रखिएगा मेरी मैक गोवन डेविस को किया गया था। आई कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे यहाँ पर कि किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? तो इसको जो की गई है स्विट्जरलैंड को, याद रखिएगा किसको की गई है? स्विट्जरलैंड को। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। भारतीय वायुसेना की विमान को स्वदेशी बायो जेट ईंधन पर संचालित होने का वाणिज्यिक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो किसको दिया गया? AN-32 को, AN-32, याद रखिएगा AN-32 को। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? वो जो कराया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था, किसने करवाया था प्यारे बच्चों? राष्ट्रकूटों ने करवाए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिन में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, इसलिए इसको जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछे गए हैं, वो पदार्थ दिन के रासायनिक गुण समान हो या हो तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कि उपरूपक पदार्थ, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? उपरूपक पदार्थ कहलाते हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यहाँ पर जो पूछे गए थे दोस्तों, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? यह जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा संरक्षण का नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आई होप आप सभी समझ चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा मेहनत पसंद लग रहे हैं, हमारा टीम का मेहनत पसंद लग रहे हैं, तो जरूर एक वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें, जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले शिफ्ट में हम इससे भी बेटर आपके लिए कर सकेंगे। तो इसमें जो है कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे, तब इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, सबसे पहले इसको समझेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर जो रखे गए थे अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछे गए थे किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी, यानी कि यहाँ पर देखे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कोई कार्य को ए बी साथ में मिलकर काम को कितना घंटा में करते हैं? 3 घंटा में। और बी और सी मिलकर कितना करते हैं? 4 घंटा में। और सी और ए को मिलकर करते हैं 5 घंटा में। तो कहा जा रहा अगर तीनों व्यक्ति वे एक साथ मिलकर करें तो इसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? वे मतलब तीनों व्यक्ति ए बी और सी। तो आइए देखते हैं ए बी सी के लिए किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो ए बी सी के लिए एक फॉर्मूला होता है MNP वाला, तो अगर आपके पास MNP वाला फॉर्मूला याद है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे। आइए यहाँ पर शॉर्ट आउट करते हैं और आपको बताते हैं MNP का जो फॉर्मूला है। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप हमारा देखें, टाइम एंड वर्स का क्वेश्चन है, उसमें डिटेल बताए गए थे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होंगे?
ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर तीनों को इकट्ठा जब निकाल रहे हैं, ठीक है, जब तीनों को इकट्ठा निकाल रहे हैं तो इन दोनों को ए मान लीजिए, इन दोनों को बी मान लीजिए और इन दोनों को सी मान लीजिए। ऐसे जब निकालते के लिए जाते हैं तो इसको हम लोग करेंगे 3 × 4 × 5 बटा में हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बाय में करेंगे 3 × 4 3 × 4। ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वही बच्चे ही यह चीज़ समझ पाएंगे। हम यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहे कि इसको जो है कैसे बनाने क्या करना है, हम यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट आउट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट लिखेगा, इसका स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 4 × 5, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको शॉर्ट आउट करेंगे 3 × 4, यानी ये हुआ एम एन पी, यानी कि एक बराबर हम लोग एम मानते हैं, फिर इसको एन मानते हैं और इसको पी मानते हैं, एम एन पी का, यानी कि यहाँ पर जो है एम और एन को गुना करते हैं, फिर एन एम एन को गुना करते हैं, इस प्रकार से एन पी को गुना करते हैं, इस प्रकार से फॉर्मूला पर हम लोग इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला कब लगता है, जब अलग अलग काम किया, इकट्ठा काम नहीं, मतलब एक एक कुछ दिन में काम करेगा, बी कुछ दिन में काम करेगा, सी कुछ दिन में काम करे, तब इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर इकट्ठा काम कर रहा है, यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा काम कर रहा है, यानी ए बी इकट्ठा काम कर रहा है, इसी के कारण इस फॉर्मूला में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना होंगे। यहाँ पर ऊपर में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई अपने से कर देंगे। याद रखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि इकट्ठा काम कर रहा है दो दो व्यक्ति, इसीलिए। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं, आइए यहाँ पर सॉल्व करके इसको देखते हैं कि इसका जो किस प्रकार से इसको जो है बनाते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, तुरंत ही आपको बना देंगे। अगर इसको गुना करते हैं 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120, तो इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 120, और नीचे में यहाँ पर जोड़ते हैं 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, इन सभी को जोड़ते हैं 15, 20 और 25, यहाँ 12, 15 और 20 तीनों को जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे आपका 47, कितने आ जाएंगे 47, तो 47 को 120 से जब भाग देंगे तो ये आएंगे 2 पूर्णांक 26/47, कितने आ जाएंगे 26/47। तो जो बच्चे इसको क्लिक किए थे 2 पूर्णांक 26/47 को, उनका सवाल बिल्कुल भी सही था। आई कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कि जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे, आइए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन बनाते हैं। पूछे गए थे कि यहाँ पर कि एक कपड़ा का दुकानदार कपड़े के मूल्य में 25% छूट देने की घोषणा करता है, ठीक है, कोई कपड़ा दुकानदार है, वो कपड़ा दुकानदार क्या बोल रहा है कि हम जो है कोई भी कपड़ा आपका खरीदिएगा तो 25% हम डिस्काउंट देंगे। कोई व्यक्ति कितना कुर्ता खरीदे जबकि एक कुर्ता का दाम 28 रुपया है, ताकि उससे कम से कम 40 रुपये का छूट मिल सके। मतलब कि अगर आप कुर्ता जो है, यानी कमीज़ यहाँ पर कह सकते हैं, जो कमीज़ आप खरीदने के लिए जाते हैं वो कमीज़ क्या है, आपको कम से कम 40 रुपया आप छूट लेना चाहते हैं, तो कई वो कमीज़ खरीदिएगा ताकि 40 रुपये का छूट आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक कमीज़ में कितना छूट मिलता है, तो एक कुर्ता में जो है, एक कुर्ता अगर बाय करिएगा तो एक कुर्ता में जो छूट कितना मिलेंगे, 25%, यानी यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 28 रुपया है, एक कुर्ता का दाम 28 रुपया है, तो 28 × 25% को हम लिखेंगे 1/4, 25% 1/4, और यहाँ पर 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, इस प्रकार से 7 रुपया, यानी एक कुर्ता अगर आप खरीदते हैं, एक कमीज़ खरीदते हैं तो 7 रुपये का छूट मिलता है, तो कम से कम आपको 40 रुपया छूट चाहिए, तो कई गो कुर्ता खरीदिएगा, तो कम से कम 6 गो कुर्ता खरीदिएगा, तब जाके कम से कम 40 रुपया छूट मिलेगा, यानी 7 × 6 कितना हो जाएंगे 42 रुपया, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएंगे, छूट मिल जाएंगे, यानी कि इसमें पूछेंगे तो कम से कम कई को कुर्ता खरीदिएगा, तो कम से कम आपको 6 पीस कुर्ता खरीदना पड़ेगा। तो जो बच्चे 6 को क्लिक किए थे उनका जवाब सही है, यहाँ 42 नहीं बल्कि 6 इसका आंसर आता 6, तो जो बच्चे 6 क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही था। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे क्वेश्चन, यहाँ पर जो पूछे गए थे, आइए दोस्तों यहाँ पर लिखे गए थे, एक बेमान व्यापारी है, एक किस प्रकार का व्यापारी है, बेमान व्यापारी है, अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, कहता है कि हम अपना जो भी सामान हम खरीद के लाएं तो जिस सामान को खरीदें उसी रेट पर ही हम बेच रहे हैं,
लेकिन वो इस पर 25% लाभ कमाता है। बताइए कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलो का वजन तोलता है। देखिए, एक कोई बेईमान व्यापारी है, वो बेईमान व्यापारी क्या कर रहा है यहाँ पर कि 1000 ग्राम के जगह पर, ठीक है, 1000 ग्राम के जगह पर 1000 ग्राम नहीं चढ़ा रहा है यहाँ पर, और झूठा वादा कर रहा है कि सामान के क्रय मूल्य पर जितना में हम खरीदे हैं उतने ही में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे सो देखिएगा किस प्रकार से इसमें सॉल्व करेंगे। 1000 ग्राम यहाँ पर, 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम के जगह पर कितने वाट हम नहीं चढ़ाएंगे उसको हम कंसिडर कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसको एक्स से भाग कर देंगे, इंटू कितना करेंगे 100 कर देंगे। उसके बाद बराबर कितने हो जाएंगे, 25%। याद देखिए, 25 को हम 25 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम जो है यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। इसका डिटेल में चाहिए तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। अब इसको क्या कहते हैं, इस 25 को इधर ले आते हैं, तो 25 को इधर ले आएंगे तो 25 बटा कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 25 बटा कितने हो जाएंगे, 100 आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिए 25 बटा 100 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बन रहा है, जरूर से जरूर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों, इसको किस प्रकार से बनाएंगे आइए यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चों कि 25 यानी 25 बटा 100 हो जाएंगे, तो इसको काट देंगे तो 1/4 हो जाएंगे। अब 1/4 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। माइनस कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, और इस इधर कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो नीचे कमेंट लिखिए। 25 चूँकि 100 कर दिए, यस 100 यहाँ आ चुका, नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर 1/4 आ चुका। फिर क्रॉस गुना हम लोग कर दिए तो 4 को 1000 से गुना करेंगे तो 4000, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x, और x उधर भेज देंगे तो x निकल जाएंगे। अब ये क्या करते, इसको हम इधर ले आते तो कितने आ जाएंगे, 5x हो जाएंगे। इसीलिए x बराबर हम लिखेंगे 4000/5, ठीक है, यहाँ 4000/ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर काटेंगे तो 8 बच्चे कितना हो जाएंगे, 40, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 800 ग्राम। यानी 1000 ग्राम के जगह पर आपने कितने तोल दिए, 800 ग्राम का ही बटखारा चढ़ा दिए थे। तो जो बच्चे 800 ग्राम को क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही है, 800 ग्राम। इसका सही आंसर क्या होंगे, 800 ग्राम। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और समझाते हैं और समझाने का भी कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद लग रही है तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे यहाँ पर, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आइए मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो किस प्रकार से यहाँ पर बनाते हैं। थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन थी लेकिन बन जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछे गए थे आप सभी के लिए कि किसी आयत की लंबाई, कोई आयत है, उस आयत के जो लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, यदि लंबाई में 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाए तो चौड़ाई कितने रहे ताकि आयत का क्षेत्रफल वही रहे। मतलब दोनों का आयत में क्या करने के लिए कहा जा रहा है, एक ही करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, दोनों का आयत में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने के लिए कहा जा रहा। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते कि किस प्रकार से इसको जो है बनाते हैं। यानी कि दोनों का एरिया है, दोनों का एरिया क्या करने के लिए कहा जा रहा है, दोनों का एरिया बराबर है। यानी कि कोई भी रेक्टेंगल यानी आयत मतलब रेक्टेंगल जिसका लंबाई क्या है 18 है, इसका 10 है, फिर और एक वो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में कहा जा रहा है 25 सेंटीमीटर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, मतलब यहाँ पर लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में क्या हो जाएंगे। तो चौड़ाई को हम एक्स मान लेते हैं और एरिया बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी पहला आयत का जो है 18 हो जाएंगे लंबाई, और चौड़ाई हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और दूसरे का लंबाई कहा जा रहा 25 है और इसकी चौड़ाई कितने है वो चीज़ ज्ञात नहीं, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको x कंसीडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम काटने के लिए इसको जाएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से हम जब इसको काटते हैं यानी 180 x बराबर कितने हो जाएंगे, 180/25 हो जाएंगे। तो 180/25 को जब हम भाग देंगे तो यह आ जाएंगे 7.25
टू सेंटीमीटर, यानी कि यही आपका आंसर है। तो कहा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे, तो इसमें कहा जा रहा है कि सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई कितनी रह जाए। तो इसका जो चौड़ाई है, जो नया वाला जो रेक्टेंगल है उसका चौड़ाई आपको मात्र 7.2 ही सेंटीमीटर रखना पड़ेगा जब आपका 25 सेंटीमीटर लंबाई कर देते हैं। तो आई होप आप सभी समझ चुके। तो जो बच्चे 7.2 सेंटीमीटर को क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के SSC के MTS के फर्स्ट स्टेज में एग्जामिनेशन पूछे गए थे। ये एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, आइए इस नंबर सीरीज का क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से कहे गए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो डिजिट है वो धीरे 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 करके बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक देखने के में क्या लग रहा है कि इंटू थ्री किए गए होंगे, ठीक है, यानी 3 × 3 बराबर कितने हैं 9 है। तो यहाँ से यहाँ कितने किए होंगे, इंटू 4 किए गए हैं, ठीक है, इंटू क्या किए गए 4 किए गए, तो 3 के बाद 4 हुआ, ठीक है, 3 के बाद 4। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं 72 आते हैं। अब 72 को यहाँ पर क्या करते हैं, 72 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे क्या 216 आ जाएंगे। उसी प्रकार से 216 को दोस्तों जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 864। उसी प्रकार से यानी कि पहले यहाँ पर चला इंटू 342 इंटू 4, यहाँ पर फिर इंटू 342, इस प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करने पड़ेंगे, इंटू 2 को मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है इंटू 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो जब इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1728 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जगह पर 3468 नहीं बल्कि 5184 आएंगे। कितने आएंगे, 5184 आएंगे। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शंस थे, ये जो ऑप्शंस थे 3, 4, 6, 8 यही गड़बड़ी थे। तो इसमें जो मिस्टेक थे वही मिस्टेक को यहाँ पर पता करने के लिए पूछे गए थे कि इसमें से इस नंबर सीरीज में से कौन सा गड़बड़ी। तो ये गड़बड़ी जो था इसमें 3, 4, 6, 8। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के SSC के MTS के फर्स्ट स्टेज में पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। यह एक क्लॉक का चैप्टर पूछे गए थे, बहुत इजी सवाल है। पूछे गए थे एक घड़ी में घड़ियों की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होगी। तो कहा जा रहा है इसमें एक घड़ी है, एक क्लॉक है, ठीक है, एक क्लॉक जो पूछा गया, इस क्लॉक में क्या गया, यहाँ पर रहते 12, ठीक है, यहाँ रहते 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। इसमें पूछा जा रहा है एक दिन मतलब कितना, 24 घंटा, याद रखिएगा 24 आवर। घड़ी की दोनों सुइया कितनी बार एक साथ रहेगी। तो एक साथ रहने का मतलब होता है कि अगर जैसे घंटा के कांटा इधर हो रहा है और मिनट का कांटा इधर हो रहा है तो यह एक साथ होंगे, और प्लस जब 12 बजेंगे इस प्रकार से जब 12 बजेंगे तो 12 बजने पर भी जो होंगे वो भी आपको काउंट करने, मतलब जो एक दूसरे से अपोजिट हो वो भी काउंट करने और यह भी काउंट करने। तो इस प्रकार से जब इसको काउंट करते हैं तो यह कितने बार होगी, यह जो हो जाएंगे आपका 22 बार, ठीक है, ऑप्शन वन। जो बच्चे ऑप्शंस एक को क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही है, 22 बार। आई कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के SSC MTS के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो रीजनिंग से पूछे गए थे बहुत ही खास क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जो पूछे गए थे एक खास कोड भाषा में, हाउ कैन यू गो को जा दा का पा, कैन यू कम हेयर को नाक का सा जा, और कम एंड गो को रा पाक सा लिखा जाता है, उस कोड भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। हेयर को, हेयर का जो होते हैं उसके बारे में कोड पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उस कोड को लिख दिए गए, आइए इस क्वेश्चन को वन बाय वन करके बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमको जो पूछे गए हैं हेयर का कोड पूछे गए, तो यहाँ पर सबसे पहले यह लिख देंगे। अब देखिए, अब हेयर जो है कहाँ कहाँ पर, तो हेयर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पर है, बाकी किसी पर जो है हेयर नहीं लिखा हुआ है, इस लाइन पर भी नहीं, इस लाइन पर भी, यानी कि कोड जो बनाएगा इसी में बनाएगा, ठीक है, इसी में ही, इसी लाइन में ही हेयर का कोड आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए कि कैसे यहाँ पर, देखिए जा यहाँ पर है, जा जो यहाँ पर दिया गया है और जा यहाँ दिया गया, यानी कि ये जो है जा कोड नहीं होगा हेयर का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हेयर जो है यहाँ भी होता लेकिन यहाँ पर नहीं है।
अब सा देखते हैं, सो सा यहां भी है और सा यहां भी है, तो यहां भी सा भी आपका हेयर के लिए कोड नहीं बनाई, क्योंकि इस लाइन में हेयर नहीं है। अब का देखते हैं तो का यहां भी है, का यहां भी, यानी कि यह हेयर के लिए कोड नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन पर नहीं। अब ना देखते तो ना यहां भी नहीं है और ना यहां भी नहीं, यानी कि हेयर के लिए क्या कोड बनाएगा, ना बनाएगा, इसीलिए इसका सही आंसर होते हैं ना, यानी ऑप्शन टू। आई होप आप सभी समझ चुके हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे गए थे रीजनिंग में। इसमें विषम शब्द छांटने के लिए पूछे गए थे कि इसमें विषम शब्द छांटिए, तो रुपया था, लीरा था, मुद्रा था और दिनार था। तो इसमें से कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है, इसी डिफरेंट के बारे में छांटने के लिए कहे गए थे। तो रुपया भी एक करेंसी है, ठीक है, और आपका लीरा भी एक करेंसी है और दिनार भी एक करेंसी, लेकिन मुद्रा जो है सभी को मुद्रा ही कहा जाते हैं, यानी ऑल आर करेंसी। रुपया इज ए करेंसी, लीरा इज करेंसी, दिनार इज ए करेंसी, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होंगे, मुद्रा होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एमटीएस के फर्स्ट स्टेट में पूछे गए थे, फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ी से लंबे बन सकते हैं, आइए उन वन बाय वन करके समझते हैं। पूछे गए थे किसी बिंदु पी से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चला, अब वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और क्यू बिंदु पर पहुंचा। यह क्यू बिंदु पी से कितनी न्यूनतम दूरी पर और किस डायरेक्शन पर है। आइए इसको बनाते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोई एक बिंदु लेते हैं पी, मान लेते हैं यहाँ पर पी है, ठीक है, कोई बिंदु पी लेते हैं। यह जो है यहाँ पर समीर है, कौन व्यक्ति है, समीर है। अब समीर यहाँ पर है, कहा जा रहा है समीर जो है पी बिंदु से समीर ने दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट किया। दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर चलना स्टार्ट करता है दोस्तों, नीचे की ओर चला। चलने के बाद क्या हुआ कि वो जो है 40 मीटर चला, कितना मीटर चल गया, जब चलना स्टार्ट किया तो वो 40 मीटर चल दिया। अब इसमें जो क्या पूछा जा रहा है, अब वो अपने बाईं ओर मुड़ा, अपने बाईं ओर मुड़ा यानी कि बाईं ओर मतलब इस ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। वो कितना चला, 30 मीटर चला और चलकर यहाँ पर क्यू बिंदु, एक क्यू पॉइंट है यहाँ पर, जो कि क्यू पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच चुका। अब पहुँचने के बाद कहा जा रहा कि यह क्यू बिंदु पी से कितनी न्यूनतम दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण, यहाँ पर जो डायरेक्शन क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर चार डायरेक्शन होंगे, ठीक है, यहाँ चार डायरेक्शन होंगे, ये पूर्व कहते हैं और यह दक्षिण कहते हैं, तो इसका सही आंसर होंगे दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन होंगे दक्षिण पूर्व हो चुके, यानी कि दक्षिण पूर्व जो है इसका डायरेक्शन हो चुके। अब यहाँ पर जो है इसको बनाएंगे कैसे, यानी इसका डिस्टेंस पूछेगी, इसका डिस्टेंस, तो इसके लिए एक पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है h बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी से निकालें, यानी कि इस वैल्यू को निकाल लें। तो इस वैल्यू को, आइए इस वैल्यू को निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो h बराबर जो फॉर्मूला होते हैं उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट हम चढ़ाते हैं। अब 40 के स्क्वायर कितना हो जाते हैं, 1600, और 30 के स्क्वायर हो जाएंगे आपका 900। 1600 और 900 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2500 हो जाएंगे, कितने सौ, 2500। अब 2500 जो है किसका रूट है, 2500 जो है रूट किसका है, जल्दी से नीचे कमेंट लिखे। यह है 25 है 5 का, और इस दोनों के बदले एक बिठाएंगे, यानी कि आ जाएंगे 50 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पर है, 50 मीटर का डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व। तो जो बच्चे 50 मीटर दक्षिण पूर्व को क्लिक किए थे उनका जवाब सही है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये जो है लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए इसको भरने का कोशिश करते, भीड़ में से भरने का कोशिश करेंगे। जैसे कि बी के पहले ढूंढना है, तो B के पहले क्या है, यहाँ पर B के पहले क्या A है, तो हम यहाँ पर A को भर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर B के पहले यहाँ पर ढूंढना है, तो B के पहले अभी बताए B के पहले A है, B के पहले A है, B के पहले A है, तो यहाँ पर B के पहले क्या भर देंगे, A भर देंगे, क्लियर।
अब दोस्तों यहाँ पर जो है ए के पहले ढूंढना है, तो ए के पहले क्या है, बी है, तो ए के पहले हम यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, बी है। अब यहाँ पर ए के पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी है। अब ए के बाद यानी कि ए के बाद क्या है, बी है, ए के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर ए के बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, बी भर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो ट्रिक बनेगा आपका, जो ट्रिक होगा यहाँ पर, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सॉरी ए बी हुआ, फिर ए बी हुआ, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग ट्रिक बन रहा। मतलब कि पहले पहले आधा से यहाँ तक जो है ए बी ए बी ए बी ए बी बना यहाँ फंसे, ठीक है, ए बी ए बी ए बी बी यहाँ पर, फिर बी ए बी ए बी ए बी ए बन बन चुका और आगे जो है कैरी कर चुका। इस प्रकार से इसका ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर ए ए भरे ए, फिर ए, फिर तीन ठो बी, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होते ऑप्शंस तीन। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के SSC के MTS के फर्स्ट स्टेज में पूछे गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें जो पूछे गए थे कि टू इक्वेशन हैव बीन सॉल्व्ड ऑन सेम बेसिस, फाइंड द सोल्यूशन द अनसॉल्व इक्वेशन ऑन द सेम बेसिस। इसमें जो पूछे गए थे कि ये जो है एक इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पाँच को कहाँ किया गया, यहाँ पर किया गया, ठीक है। अब इस तीन को कहाँ किया गया, यहाँ किया गया, तो इसी प्रकार से इस दो को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, दो को सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे दो। उसी प्रकार आठ को कहाँ किया गया, लास्ट में किया गया, उसी प्रकार चार को लास्ट में किया गया, तो हम भी ये सात को क्या कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, ठीक है। ये गुना नहीं किया, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, छः और आठ को गुना करते और पाँच को गुना करते, फंस जाइएगा। देखिए डिजिट उसी है, वही डिजिट ही लिखा है, इसीलिए आप गुना मत करके फंस जाएगी। बहुत सारे क्या कि यह कन्फ्यूज करने के लिए लिखेंगे, क्योंकि रीजनिंग में चैप्टर में आपको दिमागी क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा ना करें कि इसको इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करके पूरा गुना भागा कर रहे और टाइम को बर्बाद कर रहे, सिर्फ डिजिट को देखिए इधर उधर करके लिखेंगे। अब छः को क्या कर दिए, बीच में कर दिए, तो इसीलिए यहाँ पर दो को क्या बीच में, इसीलिए नौ को हम क्या कर देंगे, बीच में कर देंगे, यानी 297। इसका सही आंसर होते टू सॉरी इसका सही आंसर होंगे 297, ये ऑप्शन बी, ठीक है, टू होंगे, नाइन होंगे, सेवन होंगे, इस प्रकार से इसका आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट जो है पार्ट हम बहुत जल्दी आप सभी के पास लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक इतने ही क्वेश्चन आ पाए हैं। जैसे जैसे बच्चों के पास हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, वैसे वैसे आप सभी के पास प्रदर्शित करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के कारण बच्चों को क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद नहीं रहते, लेकिन जैसे जैसे वे सारे बच्चों से बात करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से बात करते हैं, वैसे से जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, वैसे वैसे आप सभी को वीडियो में तब्दील करके, वीडियो में बना के आप सभी के पास पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों इसका अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ साथ अगला शिफ्ट का भी क्वेश्चन अगर हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, और आपका टेस्ट, आपका एग्जामिनेशन किस तारीख को है ये भी नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसका अगला पार्ट के साथ, अगला शिफ्ट के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।